तब भी मेरा टिकट काट दिया गया। किसी की नेता के दिल पर बिल्कुल कोई एक इंच की कोई कड़वाहट या कोई उनको महसूस ही नहीं हुई और मुझसे राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया जा रहा। चुनाव मत लड़ो, चुनाव मत लड़ो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं चुनाव मत न लड़ूं? जो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव मत लड़ो, मैं चुनाव न लड़ूं? सीतापुर की सम्मानित जनता मुझे इतना प्यार और इतने दे रही है, इतना सम्मान दे रही है, तो मुझे चुनाव तो लड़ना चाहिए। और आज मैं घोषणा करता हूं, मैं आपकी ताकत पर मेरा कोई मान सम्मान नहीं, हमारा मान सम्मान सब आपसे, हमारी ताकत सब आपसे। जितने साथी हमारे बैठे, बड़े बुजुर्ग बैठे, सभी आप मेरा मान सम्मान। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के कटिबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, टिंचू गुप्ता बनकर चुनाव लड़ो, अपने भाई को नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर बैठा लो और हमारा एक सपना, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का सपना। हमारी बिटिया छोटी सी है, रोज हमसे पूछती है, पापा तुम्हारा टिकट कैसे कट गया, मुझे पता नहीं चला। जिस दिन टिकट फाइनल हो रहा था, मेरी बिटिया स्कूल नहीं गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी, प्रार्थना करती रही कि मेरे पापा का टिकट हो जाए। अब बताइए मेरी बिटिया का क्या दोष था? मैं पूछना चाहता हूँ नेताओं से, मेरी बिटिया का क्या दोष था जो प्रार्थना करती रही और आप लोगों ने उसके पापा के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया? मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने आपके भाई के पीठ में खंजर भोंका है, एक ओट का खंजर बनाकर उनके सीने में भोंकने का काम आप जरूर करें। फिर मैं पुनः पूछना चाहता हूं, मैं सीतापुर का नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ू या न लड़ू, फिर आप हमको तीसरी बार बता, जोरदार आवाज में मुझे बताइए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। सेठ चाचा हमारे खड़े हैं। मैं नहीं जानता था इनको, मगर मुझे रोक कर इन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया कि टिंचू जाओ चुनाव लड़ो, तुमको मैं जिता कर लाऊंगा। काम के मैं निवासी चाचा मेरे हैं, मैं कभी नहीं चाचा से मिला, इतना सिद्धा उसका प्यार, जनता का प्यार है उसे मुझे मिला। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबको बधाई देना चाहता हूँ। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, मगर आपका जो स्नेह और प्यार मुझे मिला है, ये मेरे चुनाव जीतने से कोई कम नहीं है। मैं अध्यक्ष बनूं या न बनूं, मैं वादा करता हूं, मैं तन मन धन से आपकी सेवा जिंदगी भर करता रहूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। समीक्षा दीदी हमारी बेटी है, एक बहन का फर्ज हमारे लिए हर जगह लड़ाई लड़ती है, ऐसी बहन कहाँ रखी किसी को? इतना प्यार सीतापुर की सम्मानित जनता हमको नगरवासी दे रहे हैं, तब भी मेरा टिकट काट दिया गया। किसी की नेता के दिल पर बिल्कुल कोई एक इंच की कोई कड़वाहट या कोई उनको महसूस ही नहीं हुई और मुझसे राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया जा रहा। चुनाव मत लड़ो, चुनाव मत लड़ो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं चुनाव मत न लड़ू? जो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव मत लड़ो, मैं चुनाव न लड़ू? सीतापुर की सम्मानित जनता मुझे इतना प्यार और इतने दे रही है, इतना सम्मान दे रही है, तो मुझे चुनाव तो लड़ना चाहिए। और आज मैं घोषणा करता हूं, मैं आपकी ताकत पर मेरा कोई मान सम्मान नहीं, हमारा मान सम्मान सब आपसे,
हमारी ताकत सब आपसे है। जितने साथी हमारे बैठे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सभी आप मेरा मान सम्मान है। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के कटिबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ। सभी हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे छोटे भाई बड़े भाई पिंचू गुप्ता बनकर चुनाव लड़ो अपने भाई को नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर बैठा लो और हमारा एक सपना हमारे परिवार हमारे बच्चों का सपना। हमारी बिटिया छोटी सी है रोज हमसे पूछती है पापा तुम्हारा टिकट कैसे कट गया मुझे पता नहीं चला। जिस दिन टिकट फाइनल हो रहा था मेरी बिटिया स्कूल नहीं गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी प्रार्थना करती रही कि मेरे पापा का टिकट हो जाए। अब बताइए मेरी बिटिया का क्या दोष था। मैं पूछना चाहता हूँ नेताओं से मेरी बिटिया का क्या दोष था जो प्रार्थना करती रही और आप लोगों ने उसके पापा के पीठ में कंजर भोगने का काम किया। मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने आपके भाई के पीठ में खंजर भोंका है एक ओट का खंजर बनाकर उनके सीने में भोंकने का काम आप जरूर करें। फिर मैं पुनः पूछना चाहता हूँ मैं सीतापुर का नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ो या न लड़ो फिर आप हमको तीसरी बार बता जोरदार आवाज में मुझे बताइए मुझे सुनाई नहीं पड़ा। मेरी पीठ में छुरा नहीं भोग पाते